हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड अल्टरनेटिव साइंसेस। हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग तरह के डर के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत लोग परेशान हैं और उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता और वो सफर करते रहते हैं, उससे परेशान होते रहते हैं। तो हम इस डर के बारे में जानेंगे और हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक्यूप्रेशर के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट से हम उसका उपचार कर सकते हैं। सो इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे अफ्रेड ऑफ डार्क, और इस सीरीज में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग तरह के डर का उपचार हम किस प्रकार से अलग अलग पॉइंट से कर सकते हैं, इसके साथ ही किस प्रकार से उन पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है हमारे हाथ पे, किस प्रकार से उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट किया जाता है और किस प्रकार से उन पॉइंट्स पे मैग्नेट्स को अप्लाई किया जाता है, यही सब चीजें हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है अफ्रेड ऑफ डार्क, यानी अंधेरे से डर लगना। आपने देखा होगा कुछ लोग अंधेरे में जाने से बहुत ज्यादा डरते हैं। अगर उन्हें रात को कहीं जाना होगा, किसी अर्जेंट काम से जाना होगा, तो उन्हें 100 बार सोचना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होता है। और आपने देखा होगा कुछ लोग अंधेरे से बिल्कुल नहीं डरते, और कुछ लोग अगर घर में लाइट चले जाए, घर में अंधेरा हो जाए, तो उनके पसीने छूटने लगते हैं। सो इस अंधेरे से डर का उपचार हम एक्यूप्रेशर के सिंगल पॉइंट से कैसे करते हैं तो अभी हम देखते हैं, जिससे आपका डर आपसे हमेशा के लिए भाग जाएगा और आप में एक जोश, एक कॉन्फिडेंस आना शुरुआत हो जाएगा। सो ये पॉइंट हमारे हाथ में फ्रंट साइड पे आता है, यिन साइड पे आता है, जो हमारे राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसका जो ये सेकंड जॉइंट है टुवर्ड्स हमारे रिंग फिंगर, ये पॉइंट आता है। तो मैंने इस प्रकार से इसको मार्क किया है, तो आप देख सकते हैं जो हमारा राइट हैंड है उसकी मिडिल फिंगर का जो ये सेकंड जॉइंट है टुवर्ड्स हमारे रिंग फिंगर, ये पॉइंट आता है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये पॉइंट बायलेटरल है, इसलिए मैंने दूसरे हाथ में भी इसको मार्क किया है। लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर है उसका जो सेकंड जॉइंट है टुवर्ड्स हमारी रिंग फिंगर, ये पॉइंट आता है, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। मैंने यहां पे इसे मार्क किया है, दोनों हाथों पे आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। इस पॉइंट को सबसे पहले हम एक्टिवेट करेंगे, जिसके लिए हम इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की जिम्मी लेंगे और उस पॉइंट पे हम प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। सेम इसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी हम इसे स्टिमुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें उस पॉइंट को प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है, प्रेस करना है, रिलीज करना है। उसके बाद इस पॉइंट का नाम है K10, ये किडनी मेरिडियन का 10th पॉइंट है, आप इस प्रकार से दोनों हाथ में देख सकते हैं, मैंने इसे मार्क किया है। इस पॉइंट पे हमें एनर्जी को कम करना होगा, सिडेट करना होगा, जिसके लिए हम बियोल मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं इस प्रकार की ये बियोल मैग्नेट होते हैं, एक तरफ से ये व्हाइट होते हैं, दूसरी तरफ से ये येलो कलर के होते हैं, आप इस प्रकार से देख सकते हैं इन्हें। इसे हम अपने पॉइंट पे, जो किडनी 10 पॉइंट है उस पॉइंट पे हम इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे जो मैग्नेट की येलो साइड है वो हमें बाहर विजिबल होगी और मैग्नेट की जो व्हाइट साइड है वो हमारी स्किन को टच होगी। इसी प्रकार से हम दूसरे हाथ में भी इसे अप्लाई करेंगे, जो हमारे ये बियोल मैग्नेट है आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट साइड है वो हमारी स्किन को टच होगी और जो येलो साइड है वो हमारी बाहर विजिबल होगी। तो आप दोनों हाथों में देख सकते हैं हमने इस प्रकार से इसे अप्लाई करना है। आप इन पॉइंट्स को 8 से 12 घंटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे रात को सोने से पहले लगा सकते हैं, सुबह उठ के पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। आप देखेंगे जो आपको अंधेरे से डर लगता था वो इन पॉइंट्स को अप्लाई करने से और इस ट्रीटमेंट को करने से जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपका डर है डार्कनेस से, अंधेरे से जो आपको डर लगता था वो कम होना शुरुआत हो जाएगा। सो आप इन पॉइंट्स को और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शायद उनको भी इन पॉइंट्स की और इस ट्रीटमेंट की जरूरत हो। हमने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाई हुई है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप उन्हें जरूर चेक कीजिए, शायद वो आपके और आपके अपनों के काम आ सकती है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं अगली वीडियो आपके किस प्रॉब्लम पे बनाऊं, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हम उन प्रॉब्लम्स पे वीडियो बना के आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।